चैनल सो फ्रेंड्स आई होप यूर डूइंग वेल एट योर होम एंड एवरी थिंग इज फाइन एट योर एंड एज वेल सो आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं तो टॉपिक इज दिस लाइक हाउ वी कैन रोड्यूज़ द अंडर आई डार्क सर्कल्स अंडर आई पफिनेस अंडर आई रिंकल्स सो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनकी अंडर आई डीहाइड्रेट होके यहाँ पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं सो so, क्या प्रॉब्लम uh, होती है क्यों आना शुरू हो जाते हैं और आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हाथ के ऊपर ये स्कार मेरे फेस के ऊपर भी ये स्कार है सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई हैड अ वेरी स्वेयर एक्सीडेंट बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आई एम सेफ़ अलहमदिल्ला मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा अपनी उस का ऊपर वाले का कि जिसने मुझे बिल्कुल सेफ एंड साउंड रखा ओबियसली माई लाइक गॉड फ्रेक्चर नाउ मैं चल नहीं सकता बट स्टिल लाइक आई एम मेकिंग अडियो फॉर माई यूट्यूब फैमिली एज वेल यू गैज हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव टू यू बिकॉज जो प्यार मुझे मिला यहाँ से जो इतने सारे सब्सक्राइबर्स सॉरी सब्सक्राइबर्स नहीं कहना चाहिए ओबियसली मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू ट्यूब फैमिली जो मुझे मिला वो आप लोगों से मिला है और आप लोग यू ऑबियसली यू गैज अर पार्ट ऑफ माई फैमिली सो हाउ कैन यू फोगेट दैट एंड द सेकेंड थिंग इज दिस कि मेरा बहुत अरसे से प्लान था वीडियो बनाने का लेकिन ऑब्वियसली जो मेरी इतनी स्वेयर इंजरी थी उसकी वजह से बट ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पेनफुल मेरे लिए ये फेस मास्क था बिकॉज ऑब्वियसली इसको रिड्यूस करने के लिए मुझे बहुत बहुत बहुत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज ऑब्वियसली कुछ सेशंस होंगे और दूसरा ये कि टांग का तो अब इट कॉन टाइम खैर मैं आपको बहुत सैड बातें नहीं बताने वाला इस तरह की बिकॉज ऑब्वियसली आई एम मेकिंग वीडियो फॉर

एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लास्ट तक वीडियो देखना बहुत लाजम है बिकॉज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है देखेंगे तो वीडियो भी समझ आई है आपको राइट तो आज हम लोग जिस तो पर बात करने वाले हैं वो है जी आई क्रीम हम लोग आई क्रीम क्यों यूज़ करनी चाहिए क्या होती है किस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए आई क्रीम ही क्यों हम बाकी माओशा यूज़ करनी कर बहुत सारे सवाल आने वाले हैं बट उनका सबका जवाब मेरे पास है और मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग कुछ समझ आ सकें आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारी बातें मुझे करनी अपनी यूट्यूब फैमिली से बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू गाइज और मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ एक पूरा सेशन रखना पड़ेगा ढेर सारी बातों का सो इनशाला हैव अ प्लान टू कम इन लाइफ एज वेल आई नो कि इट्स अ वेरी लॉन्ग गैप के मैं बहुत लेट वीडियो बना रहा हूँ थिंग इज दिस लाइक आई एम मेकिंग अ वीडियो दैट्स मोर कंसर्न सो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करे सब्सक्राइब करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो एंटर क्लास में देखिएगा सो so, हम लोग बात करने वाले हैं अनराइ पफिनेस के ऊपर पफिनस पफिनेस डार्क सर्कल्स और दर्ड थिंक इज़ दिस अंडर आई रिंकल्स खातिन के साथ मसला ये होता है कि जब वो अंडर आई मेकअप करती हैं कुछ कंसीलर यूज़ करती हैं कुछ भी करती हैं तो उनके भी रिंकल्स आने शुरू होते हैं बिकॉज डिहाइड्रेशन द मोर पार्ट इज़ दिस लाइक वी आर नॉट टेकिंग इन अ वारर बिकॉज हम लोगों की जो है अब ऑबसली विंटर आ चुके हैं हम लोग बाकी हमारा शुरू से अलमे रहा है कि हम लोग कोई भी मॉइस्चराइजर होता है कुछ भी होता है वो शेयर कर ले मतलब अपनी पूरी स्किन हाथ हर जगह पर लगा लेते हैं मोस्टली बॉयज़ यही करते हैं मैं खुद भी यही करता हूँ बट दिंक इज़ दिस कि मुझे खुद भी फील हो रहा था कि जब ऑबियसली वन आई एम स्मायलिंग माई जो uh, मेरा जो अंडर आई पार्ट है इट सीम्स लाइक इट्स डिहाइड्रेटेड राइट तो हम लोग के रिंकल्स में आने शुरू हो जाते हैं बिकॉज हम लोग इसको हाइड्रेट नहीं कर रहे होते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब आप इसको हाइड्रेट करते हैं यू कैन सी दैट आपकी आप आप, आप आ, जो लाइन्स हैं अंडर आई है, जो रिंकल आने शुरू हो जाते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे राइट right? आपको आगे जाके जो साइंस ऑफ एजिंग है वो भी कंट्रोल हो जाते हैं आपके अगर आप अपनी स्किन का पी एस लेवल और मॉइस्चराइजर लेवल आप मेनटेन रखते हैं राइट right? सो so, uh, मेरे पास जो है वो दो क्रीम्स हैं ऑब्वियसली आप कोई भी अच्छी अंडर आई क्रीम ले सकते हैं अच्छा लोग कहेंगे जी क्यों हम लोग आई क्रीम ही यूज़ करें uh, अब ये नई चीज़ आ गई है मार्केट में या हम जो सजेस्ट कर रहे हैं वो नई चीज़ है। तो उसका भी मेरे पास uh, एक बहुत अच्छा जवाब है वो ये है क्योंकि एक ऑब्वियसली uh, Uh, जितनी साइंस टेक्नोलॉजी और सब चीज़ें तरक्की कर रही हैं उसके मुताबिक ये ऑबियसली वी हैव पोर्स हियर ऑन द नोज़ ऑन द फोर हेड बट अंडर आई पे हमारे पोर्स जो हैं वो नहीं होते इफ़ यू कैन सी दैट आपको बहुत uh, जो है वो uh, नज़र आएगा हमारे अंडर आई के जो हैं वो uh, कुछ भी चीज़ है वो नहीं एब्जर्व नहीं होती है राइट right? तो उसके लिए स्पेसिफिकली उन्होंने आई क्रीम डिजाइन की हैं जो बिल्कुल इसको सिंको हाइड्रेट रख सकती हैं हमारे अंडर आई को जिससे हम लोग आ, की अंडर आई जो है वो रिंकल्स नहीं आएंगे पफीनेस नहीं होगी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी और जैसे डार्क सर्कल्स नहीं पड़ेंगे राइट अब मेरे पास एक जो है दट्स दट ताचा सिल्क प्योनी ओबियसली इसका कंसर्न ये है कि जी इट्स अ राइस बेस्ड बिकॉज इट्स अ चाइनीज ब्रांड ताचा और सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ बट स्ल्क बिकॉज आई रिय लाइक डिट्स वेरी मच सो मुझे बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस मैं आप तो के साथ शेयर कर रहा हूँ बता रहा था कि ये रही ताचा की क्रीम राइट एंड यू कैन सी दैट ताचा खैर सो द सेकेंड थिंग इज़ दिस इज ओ जो ताचा वाली क्रीम है ये ऑब्वियसली इट्स मोर लाइक एजिंग आपके रिंकल्स को सॉर्ट आउट करती है आप लोग हमेशा ये ख्याल रखें कि आपको अंडर uh, आई जो है क्रीम uh, यूज़ करनी तो ज़रूरी है कि आपका कंसर्न क्या है लाइक इफ हैव अ डार्क सर्कल सो यू शुड गो फॉर द आई हैव ओरिजिन वन एज वेल आप लोग किसी भी बिकॉज इट्स लाइक अ पिगमेंटेड आई क्रीम राइट आप देखें इसका मैं आपको दिखाता हूँ लाइक टेक्स्चर इस तरह से होगा सो इट्स इट विल गिव यू द पिगमेंट्स एज वेल राइट पिगमेंट्स आपको इसी तरीके का बिकॉज डार्क सर्कल्स यू कैन अप्लाई हेयर एक तो पिगमेंट्स होंगे इसमें राइट right? और दूसरा ये कि ये आ, उस तरह से विजिबल नहीं होगा कि आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपने कुछ लगा लिया इसको राइट right? तो आपने कोशिश करनी होती है आपकी इस वाली जो ये थर्ड वाली फिंगर है उन दोनों को लेकर आपने सिर्फ टैप करना होता है अपने अंडर आई के ऊपर राइट कि आपने इस तरह से इसको लगाना होता है तो ये इसका होता है हम लोग इसलिए ये एक बहुत नया अवेयरनेस है कि हम लोग को आई क्रीम यूज़ करनी चाहिए क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारी रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं यहाँ पर और इन पार्ट्स के ऊपर बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन और हम लोग आई क्रीम यूज़ नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरह की आई क्रीम ले सकते हैं बट थिंग इज दिस आप मॉइस्चराइजर तो लाजमी इस्तेमाल करते हैं मॉइस्चराइजर के साथ साथ आपको चाहिए कि आप आई क्रीम भी यूज़ करें इट्स ऑल्सो अ मैंडेटरी थिंग ये था हमारा आज का टॉपिक और जान से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे जाने को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके और इस टॉपिक से रिलेटेड भी अंडर अगर आप कुछ समझ नहीं आया तो यू गाइस कैन आस्क अस इस और हम साढ़ खुद जो है वो आपका रिप्लाई करेंगे ंस अगेन रिमेंबर मेन योर प्रेयर गाइज हमेशा से मैं आप लोगों को आई कंसिडर यू माई यूट्यूब फैमिली एज वेल सो इनशाला अब मैं नई नई वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा और दो में याद रखिएगा मिलते हैं अगले कुछ वीडियोज में तब तक के लिए अल्लाह हाफिन